नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर, आप देख रहे हैं चंबा हलचल। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला चंबा की बैठक का आयोजन चंबा में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष गुलजार अहमद ने की। बैठक में जिला प्रवक्ता भाजपा विनायक राणा विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस बैठक में ईद के दिन किए जाने वाले पौधारोपण कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। वहीं इस दौरान मोर्चा द्वारा कोरोना काल के दौरान गरीब लोगों को राशन वितरण करने, कोरोना योद्धाओं को मास्क वितरित करने, वर्चुअल रैली में सहभागिता जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। बैठक के बारे जानकारी देते हुए जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष गुलजार अहमद ने बताया कि इस बैठक में मोर्चा द्वारा कोरोना काल में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई और ईद के दिन सभी मंडलों में पौधारोपण करने के निर्देश भी सभी सदस्यों को दिए गए। आज पार्टी हाईकमान के निर्देशानुसार जिला चंबा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की एक पदाधिकारियों की अहम बैठक की गई, जिसमें हाल ही में कोरोना COVID-19 की वजह से जो भी हमारी मीटिंगें या जो सोशल मीडिया पे होती थी और जो भी कोरोना के चलते जो सोशल एक्टिविटी जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा ने की है उनकी एक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें उनके सब चीज़ों पे प्रकाश डाला गया और उसमें मुख्य रूप से हमारे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता श्री विनायक राणा जी भी मौजूद रहे। तो आगे की जो भी हमारी रणनीति है, जैसे कि पार्टी हाईकमान ने हमें निर्देश दिए हैं, जैसे पौधारोपण का कार्य है उसकी समीक्षा भी की गई और आज एक सामूहिक निर्णय लिया गया कि ईद के दिन सभी मंडलों में हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के एक पौधारोपण का कार्यक्रम करेंगे। और आज इस बैठक में हमने सभी जो मोर्चा के पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी, उनको अब मंडलों की जिम्मेवारी दी गई है और उनकी देखरेख में आने वाले जो हमारे कार्यक्रम हैं वो किए जाएंगे। जैसे कि हमारे बूथ स्तर पर हर बूथ पे 10 अल्पसंख्यक मित्र जो बनाए जाने हैं पार्टी निर्देशानुसार, उनको हमने एक डेडलाइन 1 महीने की दी हुई है कि उसके 1 महीने के अंदर अंदर पूरे चंबा जिला के 6 मोर्चों के जो भी हमारे अल्पसंख्यक बूथ हैं उन सब में 10 अल्पसंख्यक एक एक बूथ पे जो सूची अल्पसंख्यक मित्र बना करके हमारे जिला को भेजने के लिए हमने उनसे आग्रह किया है। और भविष्य में जो भी हमारी पार्टी की एक्टिविटी होंगी उनको हम सुचारू रूप से करेंगे और ई बुक में जो भी हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा ने जो भी कार्यक्रम किए हैं, जैसे वर्चुअल रैली की हैं, मास्क बांटे गए हैं या CM केयर फंड और PM केयर फंड में जो दान दिया गया है उन सब की जो फोटो सेशन है उसको ई बुक में पार्टी को भेजने का सभी से आग्रह किया गया है, ताकि पार्टी में जो ई बुक बनाई जा रही है जिसकी आज 30 तारीख को लास्ट डेट है उसमें सभी भेजने के लिए कहा गया है। तो आज इसी सिलसिले में हमारी जो बैठक हुई है।